वेरी वेरी वार्म गुड आफ्टरनून फ्रॉम वैली ऑफ वर्ड्स। एंड आप लोग हमें जो है इस समय एक वैली ऑफ वर्ड्स के इस वर्चुअल इस साल के जो वैली ऑफ वर्ड्स हो रहा है चौथे एक किस्म से एपिसोड में आप हम लोगों को सुन रहे हैं। और हम लोग आज इस सेशन में जो हम अगले एक घंटे आपसे बात करेंगे, हम लोग कोविड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा आप सबको पता है कि कोविड ने उसका जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो सब लोगों को मालूम है, हमें उसके बारे में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं संक्षेप में कुछ आंकड़ों के साथ में अपनी बात को यहाँ पर आज शुरू करना चाहूँगा इस जो सेशन को लेकर के, और जैसा जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है या पूरे देश में अगर हम अपने देश की बात करें तो 90 लाख से ज़्यादा जो है केसेस हो चुके हैं, और जो हमारे देश का जो फर्टिलिटी रेट है लगभग 1.5% के आसपास। उत्तराखंड की बात करें तो रिलेटिवली हमारे प्रदेश में एक नेशनल परस्पेक्टिव से थोड़ा कम केसेस हैं, बट द गुड थिंग अबाउट द एंटायर पैंडमिक, यू नो, इफ यू हैव टू लुक फॉर सम सिल्वर लाइनिंग्स इज दैट एट अ ग्लोबल लेवल आवर एंटायर कंट्री एंड आवर स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज मैनेज्ड टू कर्ब द फर्टिलिटी रेट टू क्वाइट अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। तो हमारा जो पूरा देश है, हम लोग बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, और पिछले अगर हम 9-10 महीने की बात करें, 30 जनवरी को हमारे देश का पहला कोविड का केस आया था, और उसके बाद से इस कोविड ने चाहे हमारी जिंदगी है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारी जीने की जिंदगी का जो जीने का हमारा तरीका है, हमारे काम करने का तरीका है, हमारे बिजनेसेस हैं, हमारे जॉब्स हैं, टेक्नोलॉजी है, हमारा ट्रैवल है, लेजर है, तो मतलब कोई ऐसा सेक्टर या ऐसा कोई डोमेन जिसे हम कहेंगे कोई नहीं छूटा है जिसने कोविड ने हमारी ज़िंदगी को प्रभावित ना किया हो। चाहे हम अपने लेजर की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हाउ वी एंटरटेन आवरसेल्व्स, जो हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, हमारे जॉब्स हैं, उनको लेकर के, हमारी गवर्नेंस को लेकर के, हमारे कम्युनिकेशन को लेकर के। अब छोटा सा उदाहरण है कि इस वैली ऑफ वर्ड्स में अभी तक तो हम आपसे बड़ी खूबसूरत धूम घाटी में मिला करते थे, लेकिन इस बार हम आपसे वर्चुअली आपसे जो है मुलाकात हो रही है। हमारी उम्मीद रहेगी कि अगले साल जो हम आपसे एक बार फिर से देहरादून के खूबसूरत मधुबन होटल के लॉन में मुलाकात करेंगे। चाहे शॉपिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, और विशेष तौर पर अगर हम अपने हेल्थ केयर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्होंने जो है कोविड को टच किया है। और इन्हीं सब पहलुओं के बारे में आज चर्चा करने के लिए एक मैं यही कहूँगा कि जो ये चेंजेस भी हैं ये इंक्रीमेंटल नहीं है, हम इनको एक छोटे चेंजेस नहीं कह सकते, ये किस्म से बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं। और ट्रांसफॉर्मेटिव के अलावा अगर एक और चीज़ जो जो एटलीस्ट हम सब जानते हैं कि ये चेंजेस हैव आल्सो कम ऑल ऑफ अ सडन, यू नो, सो वी वर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड। तो आज इन्हीं सब कोविड के इन्हीं पहलुओं को डिस्कस करने के लिए आज आरएसटी तोलिया फोरम के तहत वैली ऑफ वर्ड्स में हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज हमारे साथ में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक शानदार पैनल हमारे साथ में है, बड़ा एक डाइवर्सिफाइड पैनल है एक्सपर्ट्स का। इनफैक्ट हमारे साथ में आज एक मुंबई से भी एक बिग वेरी रिनाउंड एक्सपर्ट हैज जॉइंड अस। तो मैं शुरू में जो है आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा, एंड देन यू नो वी विल ओपन द फ्लोर सो टू से एंड मूव अहेड विद दिस सेशन। So my warm greetings to Dr. Harish Shetty, sir. Very, very welcome to Valley of Words. And आप जो हैं एक practicing psychiatrist हैं, आपका बड़ा एक illustrious career और बड़ा लंबा आपका अनुभव mental health को रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज COVID के इस मुद्दे के ऊपर हम mental health के बारे में आपसे जानेंगे। एक और जो खूबी आपके एक किस्म से आपके बैकग्राउंड को लेकर के है कि आपका अधिकांश जो काम है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, तो चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में आप लोग काम करते हैं। और जो एक और आपके वर्क में जो मेरे को जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि सुसाइड्स के ऊपर एक आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर के आप काम करते हैं, और जैसा हम सब लोग जानते हैं इस कोविड के दौर में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यवश पहलू जो पूरे कोविड का रहा है कि सुसाइड के रेट्स का एक इजाफा हुआ है। सो दैट हैज बीन यू नो ट्रूली यू नो अ वेरी वेरी सैड सो टू से आउटकम ऑफ दिस कोविड। आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी आपने लोगों को पढ़ाया है, इसके अलावा डिजास्टर के चाहे वो मराठवाड़ा का अर्थक्वेक हो, कांडला का साइक्लोन हो, आपने वहां पर भी काम किया है।
और वर्तमान में आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं माई होम इंडिया के। तो हरीश जी, आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट ईयर इन मोर सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। एंड आई वुड लाइक टू मूव अहेड एंड वेलकम एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस डॉक्टर विजय धस्माना, अ वेरी वेरी वेल नोन एंड अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड individual, an educationist, an administrator, a leader. So, you know, he wears many, many hats. We also know each other for a long time. And since I'm reasonably familiar with his work, I also wish to add that he is somebody who is an institution builder. So, aap ek institutions ko build karte hain. And at a personal level and also at an institutional level, one of your passions amongst many is your concern about livelihoods. So, aaj hum Vijay ji se लाइवलीहुड्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। आप प्रोफेशनली वाइस चांसलर हैं स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के और पिछले 8 सालों से हैं। ऑन अ लाइटर नोट, आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर विद यू दैट यू नो व्हेन यू फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट फ्रॉम देहरादून और यू नो व्हेन यू लैंड इनटू देहरादून व्हेन द एयरक्राफ्ट इज कमिंग डाउन इनटू सॉर्ट ऑफ लैंडिंग एट द देहरादून एयरपोर्ट, यू सी दिस मैसिव स्ट्रक्चर एंड दैट इज व्हाट द स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी इज and that is the institution which is headed by Vijay ji. So very happy to have you here with us today. Aap member hain academic council ke HNB Garhwal University, jo hamari ekmatra central university hai Uttarakhand mein. Doon university ke bhi aap academic council ke member hain aur Uttarakhand Pradesh ki vibhin jo vikas ki jo alag alag bodies hain, commissions hain, uske aap sadasya hain aur Pradesh mein vikas ke khake ko ek disha dene mein ek badi ahem bhumika economic architecture ko aap dete hain. Once again a very very warm welcome. Last but not the least is again a very very experienced a senior doctor, a leader who has worked for almost close to 4 decades with the government services and in the government services of erstwhile Uttar Pradesh and now since the past 20 years in Uttarakhand. So again I would just like to mention, as many of you know, that Uttarakhand was formed in the year 2000. उससे पहले डॉक्टर साहब जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देते थे और आप मेंबर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रहे हैं. दून अस्पताल जो कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है, दून मेडिकल कॉलेज, उसको ISO दिलवाने में तो आपका एक जो बहुत बड़ा एक वृहद आपका एक प्रशासनिक अनुभव है और विशेष तौर पर इस कोविड के दौर पे शुरुआती दौर में हमने विशेष तौर पर देखा कि जो सबसे बड़ा जो लूट था वो हमारे सरकारी व्यवस्था के ऊपर, सरकारी अस्पतालों के ऊपर पड़ा था. तो डॉक्टर साहब से हम उस दृष्टिकोण से इस कोविड के पहलू को समझने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड लेट मी गो इन एंड ओपनिंग रिमार्क्स. डॉक्टर हरीश शेट्टी साहब, आप कैसे शुरू करना चाहेंगे? आई एम सो हैप्पी टू बी हियर इन द वैली ऑफ वर्ड्स एंड बहुत खुश हूं मैं, पर इतना ही कहूंगा कि नंबर्स कम होते जा रहे हैं, रिकवरीज अच्छे हो रहे हैं, सभी समाज के लोग एकत्रित आकर इस पीड़ा के विरुद्ध काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ उस समय दिखते हैं जब आफत आती है, और ये जो सडन स्पॉन्टेनियस अल्ट्रोइस्टिक कोऑपरेशन है ये बहुत सुंदर रूप से हम पूरे देश में देखते हैं. कुछ कुछ खामियां भी है, कुछ समस्याएं भी है, पर ऑन द होल हिंदुस्तान खड़ा हुआ है इस आफत के विरुद्ध लड़ने का. आफत जाने के बाद इन द सेंस ये मृत्यु का जो 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 आफत है, ये जो बंद होने के बाद मानसिक जो तकलीफ है उसके उसके लिए हमें सब मिलकर हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है. घबराहट, उदासीनता, डर, फालतू विचार, नींद नहीं आना, इसको मात करने के लिए सभी मिलके हमें काम करना बहुत जरूरी है. और मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ कि चंगेज खान से कोरोना तक हमने डिजास्टर फेस किए हैं, ये भी चले जाएगी और हम इससे इसमें से बहुत स्ट्रांग और जटिल बनकर आगे आएंगे. हमारा रेजिलेंस क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान का और बेहतर हो जाएगा. थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट, वेरी इंस्पायरिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दोज इंस्पायरिंग वर्ड्स. मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय धस्माना साहब, आप कैसे इस सेशन को शुरुआत करना चाहेंगे? I would like to thank the organizers for inviting me for this important session, very important session. थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि
वैसे हम जानते हैं और हम इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और हमारे को पूरी तरह से पता है कि इंसान के हाथ में बहुत कुछ है नहीं, प्रकृति और जो ऊपर वाला बैठा हुआ जिसके ऊपर हमारा दृढ़ जो है विश्वास है, फेथ है हमारी, उसके ऊपर आस्था है, सब कुछ वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो हम इंसानों के हाथ में पहले भी कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नहीं है। और इस कोरोना ने हमको, क्योंकि मेरे ख्याल से सब लोग एक दौड़ भाग में, अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में व्यस्त हो गए थे, भूल गए थे कि हम कुछ नहीं है इस प्रकृति के सामने, और वापस हमको प्रकृति के साथ ही जाना पड़ेगा, प्रकृति में ही रहना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबको चेताया है इस कोरोना ने कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और सबसे मैं अनुरोध करूंगा इस मंच के माध्यम से कि एक तो अभी भी हम जिस तरह से चीजें लोग लाइटली ले रहे हैं, लाइटली लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपना ख्याल रखें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अभी अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, क्योंकि हमारे अंदर लड़ने की क्षमता है, हमारे अंदर यू नो दृढ़ता से किसी भी मुसीबत को हम लोग सदियों से झेलते आए हैं। तो इस कोरोना को भी झेलेंगे, इसको भी ठीक करेंगे और चीजें धीरे धीरे सही रास्ते पे आ रही हैं। जो दुनिया के एक्सपीरियंसेस हैं उससे मुझे जो सबसे बढ़िया बात इसमें ये लगी कि कोरोना हमारे पास जब आया हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारे पास वेस्ट से जो वेस्ट के एक्सपीरियंसेस थे, चाहे वो यूएस का रहा हो या यूरोप का रहा हो, तो उससे हमारे जो डॉक्टरों की टीम रही है, जो हमारे मैनेजर्स रहे हैं जिन्होंने इस कोरोना के अगेंस्ट फाइट किया है, तो उनके पास एक लिटरेचर अवेलेबल था, ये वायरस कैसे बिहेव कर रहा है उसके बारे में उनके पास ज्ञान आ गया था। तो हमारे यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति हम लोगों के अंदर है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, खास करके जब इस तरह की कोई विपत्ति आती है तो हम सब लोग यूनाइटेड होकर काम करते हैं। तो ये समय भी पास हो जाएगा और हम सबको अपनी पॉजिटिविटी बना के रखनी चाहिए, और ईश्वर की आस्था जो है, जिसको मेरे ख्याल से कुछ लोग भूल गए थे, तो वो एक दोबारा से हमारे अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कि भाई ईश्वर नाम की कोई चीज है, भले वो दिखता नहीं है लेकिन अल्टीमेट डोरी उसके हाथ में है। तो हम लोग अच्छे तरह से अभी पॉजिटिविटी बना करके आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा इनविजिबल जो शत्रु है, एक जो दिखाई नहीं दे रहा है ये वायरस, इससे भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे और विजयी होंगे। चलिए, वेरी 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 वेल सेड डॉक्टर साहब। और आपने जो स्पिरिचुअलिटी की बात करी, नेचर की बात करी, ट्रू सन ऑफ द सॉइल, एंड वी कैन यू नो आई कैन सेंस यू नो योर जो योर सॉर्ट ऑफ यू नो दिस होल माउंटेन जो आपका एक पूरा अपब्रिंगिंग रही है। मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर आर के पंत साहब से भी आपके सर ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले। तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं देखिए, ऐसा है कि ये कोविड वायरस जो है, ये जनवरी में जब इंटरनेशनली और नेशनली हिंदुस्तान में जब ये आया था, तो किसी को ये अंदाज नहीं था कि हम लोग जो है इतनी खराब स्थितियों में पहुंच जाएंगे। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट, द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ आवर कंट्री हैड बीन वेरी वेरी असर्टिव टू फॉलो द नॉर्म्स विच वी आर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक द फुल लॉकडाउन, द कंप्लीट लॉकडाउन ऑफ द कंट्री, कंप्लीट लॉकडाउन ऑफ द कंट्री विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दिस कंट्री वॉज नॉट सो मच could not be so much implicated in other countries. That's why they could not control their cases. Even now in America, they are again having the cases, 1 lakh cases per day. So it is all because of that. But we showed a discipline. हमने अपने एक discipline को दिखाया, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने अपने एक discipline को दिखाया, lockdown को follow किया, उसके बाद जो है उसके जो norms है, उसके जो है कि hand washing आपका और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस चीज को हमने जब फॉलो किया, तो हमारा जो केसेस है, हमारा जो केसेस का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस पॉपुलेशन वाइज है, वो दुनिया में सबसे कम है। और जो फर्टिलिटी रेट, जैसा कि आपने नोटियाल साहब ने भी बताया था कि फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज अराउंड 1.5, सो जो कि दुनिया में सबसे कम है।
तो ये जो हम लोगों ने ये जो अभी अचीव किया है, ये हम लोगों के अपने प्रयासों से अचीव हुआ है, भारत सरकार की से के 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 नीतियों से और जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है, उसके फॉलोइंग से, उन फॉलोइंग से इसको हम अचीव कर पाए हैं। इसलिए हम इस पोजीशन में अब पहुंचे हैं कि सितंबर से, 15th ऑफ सितंबर से केसेस का डिक्लाइन लकीली शुरू हो गया है, जो कि 15th ऑफ सितंबर से शुरू हुआ है। कुछ एक दो जगहों को एक्सेप्शन, हम दिल्ली वगैरह को छोड़ दें, दिल्ली और केरला जो कि जो है कि अचानक एक राइज हुआ जो कि सेकंड थर्ड वेव आई है, लेकिन फिर भी हम इसको काफी कुछ संभालने में सफल रहे हैं। दूसरी बात अब ये हो गई कि अब जैसे जैसे हमने फरवरी में जब ये वायरस जब काफी फैल गया था पूरी दुनिया में, तो उस समय जो है हमारे को इतना नॉलेज नहीं था, इतना मेडिकल फील्ड में इतना नॉलेज नहीं था। उसके बाद कई दवाइयां आई हैं, उसके बाद इसका बिहेवियर पता लगा है वायरस का, इसका बिहेवियर कैसा है। पहले सोचते थे कि साहब जो है वो जो हाइपोक्सिया है उसकी जो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि जो है जो थ्रोम्बोसिस की वजह से ये सब हो रहा है, तो उसमें वेंटिलेटर्स का इतना ज्यादा रोल नहीं था, ऑक्सीजनेशन का उसमें रोल था। ये सब लोग हम बाद में देख पाए, और जो है जो दवाइयां जो इसकी बाद में आई है, रेमडेसिविर आई है, फेवीपीर आ रही है, उससे भी जो है इसको काफी फायदा हुआ है। अल्टीमेटली जो जो इसका वायरस स्टॉर्म जो होता है उसका ट्रीटमेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से होने लग गया है, वो पहले हमको नहीं पता था, मेडिकल फील्ड को, वेटरनिटी को ये नहीं पता था, वो सब हो पाया है। तो अब ये है, उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और इंसिडेंस रेट भी जो है जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है 15th ऑफ सेप्टेम्बर से नीचे के नीचे आ रहा है, जो कि करीबन 1 लाख केसेस पे पहुंच गया है, अराउंड 40,000 केस पर डे पे आ गया है। मोर्टेलिटी वैसे भी दुनिया में हमारी जो है कोविड की मोर्टेलिटी जो है वो मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, तो ये अच्छे साइंस हैं इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए। लेकिन इन जो डिक्लाइन जो हो रहा है उसको देखते हुए, जैसा कि दसमाना साहब ने कहा कि हम लोग को वी शुड नॉट रिलैक्स, वी शुड नॉट, एज वी आर अप्रोचिंग दिवाली, दिवाली विच इज ए बिग फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, सो वी आर सेइंग दैट मार्केट्स आर फुल ऑफ द पीपल एंड नो सोशल डिस्टेंसिंग एंड नथिंग, नो मोर, नो फेशियल मास्क एंड ऑल दैट। So in case we neglect all these things like in this fashion, then again it will erupt and again we will have a first wave or second wave, whatever you call it, because Delhi is facing the third wave. They are saying that we are facing the third wave of the virus. तो अब खास बात इसमें यही है कि हम लोग अपना जो है डिसिप्लिन को उसको मेंटेन करें, जो हमारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसने भी इसमें काफी काम किया है जो गवर्नमेंट सेक्टर में, और उससे सबसे बड़ी सीख हमको ये मिलती है कि गवर्नमेंट सेक्टर को अभी मजबूत करने की बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट सर्वेंट को अभी हमें बहुत मजबूत करना होगा, तभी जाके हम जो है इस तरह के एपिडेमिक से, इस तरह के पैंडेमिक से जो है उससे मुकाबला कर पाएंगे। तो इसके साथ में अपनी बात खत्म कर, इस पे हम चर्चा करेंगे, इनफैक्ट हम आपसे जानना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई थिंक a lot of inputs, you know, coming from all of you, painting an overall picture. Now, if we are to delve a little bit deeper into each of the questions, in fact, my first question is to Harishji, and you know, since you have worked extensively, you know, with young people, oh, with students, and for two sides. It's a very complex issue with suicides, but for the listeners, what would you say, you know, is there any way that, you know, society, government, you know, families, individuals, everyone together, what is really the way out? How can we minimize it, if not eliminate it fully? So what would you share with us? Number one, focus emotional health or emotional wealth ke upar hona bahut avashyak hai. Aur yahan hamare paas vice chancellor sahab bhi hai, unhe pata hai, vidyarthi jab theek se soega तब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, विद्यार्थी खेलेगा तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, विद्यार्थी अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ संपर्क रखेगा तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, और कॉलेजों में और स्कूलों में जब शिक्षक अपने आप को कहेंगे कि हम मेंटल हेल्थ वॉरियर है, 6 घंटे का क्लास में, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं एंटरटेनमेंट भी पक्का करूंगा और करिकुलम भी सिखाऊंगा। जो कॉलेजेस और स्कूल्स में आज शिक्षक हंस के, नाच के, गाना गा के, चुटकुले सुना के उसके साथ जो सिखा रहे हैं वो बच्चे खुश हैं, जो जो रेजिमेंटेड टीचिंग है,
कॉलेजों में, स्कूल में, आज भी ऑनलाइन में जब टीचर हंसते नहीं है, अपने स्क्रीन ऑफ ऑफ करते हैं, वो बोरिंग पावर पॉइंट बार बार वो दिखाते हैं, उससे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। ये नंबर वन। नंबर टू, मानसिक स्वास्थ्य का आपने देखभाल कितना भी किया, मन एक फ्यूज है, कभी भी उड़ सकता है, किसी का भी उड़ सकता है, मेरा या आप लोगों का। और ये फ्यूज उड़ने से पहले यदि शिक्षक और पालक है उसमें वो समझ जाते। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट बिकम्स एक्सट्रीमली इरिटेबल और ही इज वेरी क्वाइट और ही टॉक्स एज इफ आई वॉन्ट टू गो टू गॉड, और वो बिकम लिस्टलेस होता है, उठता नहीं है, बिल्कुल सोता नहीं है, पर वो बैठा रहता है, बेचैन रहता है और कहता है कि जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है, ऐसे थोड़ा भी बिहेवियरल चेंज है तो शिक्षकों को प्रवचन देना नहीं है, जिनका काम है उन्हीं को भेजना। हर एक कॉलेजों में मैं यही बता रहा हूँ, हमारे महाराष्ट्र में और पूरे 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 राष्ट्र में, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को भी ये बता रहा हूँ कि 8 लेक्चर में से 1 लेक्चर कम से कम मानसिक स्वास्थ्य पर होना चाहिए। शिक्षक पूछना चाहे आप कैसे हो यार, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, और यदि मन की बात हमने की तो हम हाई रिस्क वालों को भी पहचान सकते हैं और उनको बिल्कुल बचा सकते हैं। साथ साथ में जब आत्महत्या हो गए समझो, या किसी ने को कोशिश किया है तो उसको कैसे हैंडल करना, कोशिश किया हुआ जो व्यक्ति को कोई शिक्षक जाके मिले, कभी ये ना पूछना तूने ऐसा क्यों किया, तेरे माँ अच्छे हैं, तेरे पिताजी अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे हैं, वाइस चांसलर अच्छे हैं, ये क्यों का प्रश्न जो है वो पूछना नहीं चाहिए। मैं हूं ना, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, जितने हो सके अच्छे होके कॉलेज में आना, अटेंडेंस की कोई बात नहीं, हम आपको संभाल लेंगे, अटेंडेंस के डंडे से जो बच्चों को कॉलेज और स्कूल मारते हैं ना, वो बच्चों की खात्मा करते हैं। तो ये जो प्यार स्नेह और इलाज करते हुए वो बच्चा जिसने आत्महत्या की किया कोशिश, वो भी वापस आ सकता है। कोविड में आत्महत्या के विचार लोगों को बहुत आ रहे, क्यों कहते हैं यार कोविड से जाने से पहले अपने आप को मैं निकाल दूंगा। जो बच्चे सर घर के अंदर बैठे हैं विदाउट, इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी द ऑर्गन्स डिके, नो मूवमेंट ऑर्गन्स डिके, नो मूवमेंट माइंड डिके, मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट घर के अंदर या थोड़ा बाहर। सो दोस चिल्ड्रन और स्टूडेंट हु आर मूविंग इनसाइड द हाउस और डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। आखिर में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि सभी जो ये श्रोता सुन रहे उनको ब्लैक डॉग ये एक शब्द की ज्ञान होना चाहिए। हाँ, आपके पिताजी को मत पूछना, विस्की बताएंगे आपको। ब्लैक डॉग एक 4 मिनट का फिल्म है, 4 मिनट का फिल्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, मेरा नहीं, सिर्फ 4 मिनट का। देखो क्या है ब्लैक डॉग, ये शब्द विंस्टन चर्चिल ने अपने खुद के डिप्रेशन के लिए दिया था। एक्सरसाइज इज एन एंटी डिप्रेसेंट, एक्सरसाइज इज अ स्ट्रेस बस्टर, कोई मजाक नहीं है। क्योंकि मैं कहूंगा तो आप नहीं सुनोगे, विश्व कहेगा तो सुनोगे, बाहर से आया तो आप सुनोगे। तो ये जो एक्सरसाइज और योग जो स्ट्रेस के एंटीडोट्स है उसको फैलाना बहुत आवश्यक है और इसको बिल्कुल नॉर्मल बनाना। जो कॉलेजों में योग कंपल्सरी है, यदि ज्योग्राफी कंपल्सरी तो योग क्यों नहीं, साइंस कंपल्सरी है तो योग क्यों नहीं, उस कॉलेजों में मानसिक स्थिति बच्चों की अच्छी रहेगी, आत्महत्या की संख्या कम होगी। और जिन कॉलेजों में साइकियाट्रिस्ट काउंसलर या काउंसलिंग टीम है वो कॉलेज मानसिक स्वास्थ्य को ठीक तरह से बचा पाएंगे एंड देन सुसाइड नंबर ऑफ सुसाइड्स विल एक्चुअली गो डाउन। लास्टली, एवरी कॉलेज, एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव अ मेंटल हेल्थ पॉलिसी एंड एन इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ पॉलिसी व्हिच अब्सॉर्ब्स द किड्स हु आर डिफिकल्ट एंड आल्सो टेक्स केयर ऑफ देम। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल एक दोस्ताना एक व्यवहार अगर हमारा रहेगा, अगर हमारे में थोड़ी संवेदनशीलता थोड़ी ज़्यादा है इसको लेकर के, और हमें सबको साथ लेकर के अपने चलना है, तो ये एक बहुत कुछ, और इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक भी अगर ज़िंदगी जाती है तो वाकई में दुख होता है और किसी के भी परिवार में ऐसा हो, और विशेष तौर पर भारत जैसे देश में जो कि एक युवा देश है जहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो छात्र और छात्राएं हैं हमारे देश के स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि इस दौर में हमारी एक NDP भी आई है, तो तमाम इन चीज़ों को लेते हुए जो आपने बात बोली है उनका हम भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे
कि इन बातों को हम भी समाज में आगे फैलाएं। तो बहुत 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 धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए विजय जी, थोड़ा सा जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसा हमने शुरू में बात करी इकोनॉमिक लाइवलीहुड्स को लेकर के और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे घर श्रोताओं के साथ साझा करें। देखिए, उत्तराखंड हम सब जानते हैं एक पर्वतीय प्रदेश है, और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, जो बाकी अन्य हिमालयन राज्य हैं, आप भली भांति परिचित हैं इस पूरे एक किस्म से लैंडस्केप से। तो इस जो पूरे एक किस्म से देश में, हिमालयन राज्यों में, उत्तराखंड में जो स्वरोजगार की अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एक नौकरियों का अभाव है, तो इस पूरे इकोनॉमिक लैंडस्केप को, स्वरोजगार के लैंडस्केप को, उसमें आप बड़ी बड़ी चुनौतियां कौन सी आप महसूस करते हैं? देखिए, जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है, जिसमें हमारे पास 13 जिले हैं, 13 में से तो 11 जिले ऊपर बिल्कुल प्योरली पर्वतीय हैं, और देहरादून का भी मैं कहूँगा 2/3 हिस्सा जो है पर्वतीय क्षेत्र है। तो उस पर्वतीय क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री लगाने की बात अगर हम सोचते हैं या उस तरफ हम कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। तो अब इंडस्ट्री तो लग नहीं सकती, तो फिर इंडस्ट्री अगर नहीं लगेगी, रोजगार कैसे होगा? उस रोजगार के लिए जो नेचर, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको इतना सुंदर नेचर पहाड़ में दिया हुआ है, उसका हमने सदुपयोग नहीं है, और उस तरफ शायद ध्यान भी नहीं गया नीति नियंताओं का। और उस तरफ अभी, अब क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग उत्तराखंड के प्रवासी भी वापस आए हैं, जो वापस आए हैं तो जहां जहां भी वो जिस क्षेत्र में काम करते थे, वो भी अनुभव अपने साथ लेके आए हैं। तो अब सरकार भी जो है इस तरफ एक बहुत बड़े स्केल पे स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है कि लोकल लोगों को कैसे वापस, जो पहाड़ में जो पलायन की हमारी सबसे बड़ी समस्या है, एजुकेशन की वजह से, हेल्थ की वजह से, कंफर्ट की वजह से। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसको बेसिक कंफर्ट मिले, तो उसकी वजह से भी सब लोग जब पहाड़ में, जो पलायन जिसके लिए उत्तराखंड बना था कि पलायन न हो उत्तराखंड में, लेकिन पलायन तो ज्यादा तेज स्पीड से हुआ है। तो इस वक्त पे इस कोरोना से एक बहुत, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव चीज भी उभर के आई है कि जो लोग वापस आए हैं, कुछ लोगों ने किस तरह से वापस अपनी लाइवलीहुड को यहाँ जीवित रखा जाए, उस तरफ काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ की सुंदरता है, उनको अगर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करें, तो टूरिज्म एक सेक्टर है जिसपे अच्छा काम हो सकता है, लेकिन टूरिज्म में भी बड़े होटल बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जो सरकार ने भी हमारी होम स्टे की योजना लागू करी थी, उसको प्रचार प्रसार किया था, वो एक ऐसा ही योजना है कि उसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छे ढंग से काम हो सकता है। मैं जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था, तो मैं इंग्लैंड के इंटीरियर इलाकों में घूमा, और वहां जब मैंने पहली बार देखा कि वहां नीचे लोगों ने अपने घर में 2 या 3 बेडरूम का एक होम स्टे बना रखा है, उसको बेड एंड ब्रेकफास्ट वो कहते थे, ऊपर अपना मालिक रह रहा है, तो मैं तब भी सोचा था कि ये इस तरह से हमारे उत्तराखंड में या हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं वहां क्यों नहीं हो सकता है। तो उस पर अब होम स्टे के ऊपर सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई है, उसको प्रचार और उसका प्रसार किया है, लेकिन उसमें होम स्टे होता क्या है, उसमें करना क्या है, क्योंकि वो एक तरह से टेक्निकल नो हाउ भी लोगों को होना चाहिए। तो इस ओर में हमारी यूनिवर्सिटी ने, जो हमने ये डिसाइड किया है कि हम उत्तराखंड के 1000 युवाओं को इनिशियली इस क्षेत्र में ट्रेन करने जा रहे हैं। हमने 40 डेस्टिनेशन ऊपर पहाड़ में सेलेक्ट किए हैं, और उन लोगों को, वहाँ के बच्चों को, लोकल बच्चों को हम ट्रेन करके उनको बताएंगे कि भाई हाउ, ये जो होम स्टे की योजना है ये है क्या, और इसको कैसे अच्छे ढंग से आपको इम्प्लीमेंट करना है। उनका हम एक समूह बना के, एक ज्वाइंट वेबसाइट बना करके उसको हम उन बच्चों की हैंड होल्डिंग भी करेंगे। तो एक तो टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है। वेलनेस, आज जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि स्ट्रेस एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, उसको मेंटल स्ट्रेस है, उसको फिजिकल स्ट्रेस है, एक थॉट प्रोसेस इतनी नेगेटिविटी माइंड में आ गई है,
तो हर इंसान चाहता है जो थोड़ा सा समझदार है कि भाई मैं थोड़ा सा नेचर के पास जाऊं। तो वेलनेस सेंटर, हमारे छोटे छोटे वेलनेस सेंटर, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर ऊपर पहाड़ों में खुल सकते हैं। तो उस तरफ एक साझे तरीके से, एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक प्रयास किया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू हमारे उत्तराखंड के लिए है। जो अगला सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है। देखिए, आज सारा संसार ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करता है, और जो लोग पहाड़ में रहे हैं, जो लोग पहाड़ के कल्चर से, पहाड़ की आजीविका से वाकिफ हैं, जिन्होंने वहां लोगों को देखा है, तो उत्तराखंड में तो डे वन से, पहले दिन से ही ऑर्गेनिक खेती होती है। वहां कोई खाद का तो प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का तो प्रयोग ही नहीं करते हैं। गोबर की खाद खेतों में पड़ती है, वो गोबर भी ऐसी गाय से मिलता है कि जो गाय ऑर्गेनिक घास खा रही है। और उसके बाद कीड़े को मारने के लिए पहाड़ में हमेशा राख का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो जो हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं, थोड़ा सा इस समय डिफिकल्टी जरूर है, क्योंकि पहाड़ में हल लगाने वाले लोग हैं ही नहीं। तो उसको धीरे धीरे किसी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ उसको मिलाया जाए, और छोटे छोटे ट्रैक्टर पहाड़ों के लिए आ गए हैं जो डीजल से चलते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत लोग करेंगे, हमारे उत्तराखंड के जो जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने इतिहास को, उनको जानना चाहिए अपने इतिहास में। अगर हम जाएं तो जब इनिशियली उत्तराखंड बसा होगा तो सब पहाड़ था ये, और उस समय आज से जब 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी में लोग आए हैं, तो उन्होंने, आप अनुमान लगा लीजिए, उस समय जेसीबी नहीं था, कोई बहुत अच्छे उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने पहाड़ काट काट करके खेत बनाए और वहां मकान बनाए, तो कितने मेहनती और कितने जुझारू लोग हो रहे होंगे। तो हम लोग उनकी संतानें हैं, तो मेहनत से पहाड़ी वैसे भी नहीं घबराता है, लेकिन अब क्योंकि नए आधुनिक युग में के बच्चे आ गए हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसो आराम ज्यादा आ गया है, उसके बावजूद भी हम लोग इस तरफ ध्यान दें कि जो हमारी ऑर्गेनिक खेती है, सरकार ने अभी यहाँ लोकल जो उत्पाद हैं उनको भी बढ़ावा दिया है, ताकि जो वहाँ की लोकल ग्रेन्स हैं, चाहे मंडवा है या झंगोरा है या चौलाई है, या वहाँ की जो सोयाबीन होगा, वहाँ की जो दालें होंगी, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार एक्सटेंसिव वे में काम कर रही है। तो एक कोविड जो है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट उसका रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, उसको अगर हम अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय पहाड़ में है। मैं बार बार ये सोचता हूँ, हमारे यहाँ 5 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब। अब आप अनुमान लगाइए कि यहाँ फूल कहाँ से आते हैं। फूल जो है नीचे से आ रहा है, तो वो फूल नीचे से क्यों आ रहा है? वहीं आसपास की जो वैली में गांव रह रहे, गांव हैं, अगर वो फूलों की खेती करें, उसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत तो कर रही नहीं है, वो फूलों की खेती करें। फूल अगर गंगोत्री जी में, बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ, यमुनोत्री में और अपने जो हेमकुंड साहिब में चढ़ते हैं, वो लोकल फूल हैं, वहीं के उन फूलों को हम इस्तेमाल करें, लोगों जो वहां के किसान होंगे उनको कैश क्रॉप मिल सकती है। और उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि उन फूलों को हम खड्ड में डाल दें, ढंगार में डाल दें, उससे बेहतर है कि अगर वहीं इंसेंस बन सकती है या उसका साबुन बन सकता है, तो जो यात्री जा रहे हैं वो तुरंत भगवान के प्रसाद के रूप में उसको तुरंत हाथों हाथ खरीद भी देंगे। तो उसको एक थोड़ा सा सोच के साथ, एक एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इस काम को अगर किया जाता है, तो बहुत अच्छे संसाधन पहाड़ में उपलब्ध हैं। थोड़ा सा इनिशियल फेज पे डिफिकल्टी आएंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक कोऑर्डिनेटेड इफर्ट में, इस समय सरकार की जो तंत्र है वो भी बहुत अच्छा इस तरह पूरा जोर लगाए बैठा है, और हमारे जो यूथ हैं, हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ हमारे जो उत्तराखंड के निवासी, जिनके पास, मैं उनसे भी आपके इस फोरम के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया है, तो वो हैंड होल्डिंग करेंगे इस उत्तराखंड के यूथ की। यहाँ छोटी छोटी कुटीर उद्योग लग सकते हैं, शहद का उत्पादन हो सकता है। एक आजकल आप कभी अमेजन पे देखना, एक नेटल टी बिक रही है। वो नेटल टी क्या है, कंडाली है। वो उस कंडाली को कोई, जंगलों में खूब होती है वहां, और वो नेटल टी बिक रही है, अमेजन उसको बेच रहा है।
तो जंगली घास है उसकी, उसके उसका भी जो है सदुपयोग किया जा रहा है बहुत अच्छी। हमारे पास जो हमारा माउंटेन का जो जो अलग अलग माउंटेन हमारे अलग अलग वनस्पतियां उग रही हैं, तो उसमें जो हर्बल मेडिसिन के ऊपर अच्छा काम किया जा सकता है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हाँ कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट अगर किया जाएगा इस समय ये कोरोना ने एक पॉजिटिव वेव के रूप में हम इसको लें यहाँ उत्तराखंड के लिए, तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसके ऊपर अच्छा काम किया जा सकता है। वहाँ रोजगार उत्पन्न होगा तो वहाँ के लोग वहीं रहेंगे, उनको आजीविका मिलेगी। तो ये मेरा एक एक प्रस्ताव भी है इस मंच के माध्यम से। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया। और जैसा हम सब जानते हैं भाई, टूरिज्म जैसे आपने एक किस्म से एक पूरा एक लैंडस्केप आपने हमारे साथ साझा किया, टूरिज्म है, ऑर्गेनिक है, लोग उसकी हैंड होल्डिंग करें। और अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा, जो आपने पांच धामों की बात करी, अब हमारे प्रदेश उत्तराखंड में एक सैन्य धाम की भी तैयारी हो रही है। तो उत्तराखंड हैज ऑलवेज हैड अ वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ वैलर एंड सैक्रिफाइस। So when you are visiting here, you know, especially for the outsiders in times to come, we will हमारे यहाँ पे एक छठवां धाम भी होगा, क्योंकि अब हम एक किस्म से अपने इस conversation के एक आखिरी पड़ाव पर जा रहे हैं। और before we sort of take, you know, conclude the program, of course, you know, I would like to come to Dr. Pant now. और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, भाई हम सब जानते हैं 9-10 महीने इस कोरोना काल के हुए हैं, सबसे जो ज्यादा जो एक किस्म से पूरा दबाव आया है हमारी पूरी सरकारी व्यवस्था के ऊपर आया है। और ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि सरकारी व्यवस्था ने ही जो है पूरे देश के लोगों को इस किस्म के कोविड के दौर से जो निजात दिलाई है वो सरकारी व्यवस्था ने, हमारी सरकारी अस्पतालों ने दिलाई है। और भले ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज अब शुरू हो गया है, लेकिन जो पूरी की पूरी जो पूरा एक किस्म से जो पूरा फर्मा इसका बना है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अगले 12 से 36 महीने यानी अगले 1 से 3 साल में आप क्या विजुलाइज करते हैं, किस किस्म के हेल्थ केयर मॉडल को आप क्या उसको आगे का फोर्सी कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वो उसमें दो तरह के ज्योग्राफिकल एरियाज हैं। एक तो पूरा माउंटेन्स है, जैसा कि जो बताया अभी दसमणा साहब ने भी बताया कि 11 जिले हमारे जो है माउंटेनस है, और 2 जिले जो है और देहरादून का आधा जिला ये जो है प्लेन्स के हैं। तो इन दोनों जगहों में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अलग हो जाती हैं। जो यहाँ का एरिया है, जो प्लेन्स का एरिया है, जिसमें कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून का जो प्लेन्स का एरिया जो शामिल है, वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ फैसिलिटीज भी ज़्यादा हैं। जबकि उत्तराखंड का जो मेन जियोग्राफिकल एरिया है, जो कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है और काफ़ी स्कैटर्ड है, लेकिन उस हिसाब से जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ प्लेन्स में जो एरियाज हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर हेल्थ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी है, तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी सपोर्ट करता है। प्राइवेट सेक्टर जो है इस कोविड में प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी सहयोग किया है। एक्चुअली यहाँ पे जो कोविड हॉस्पिटल हैं उसमें 11 कोविड हॉस्पिटल हैं हमारे उत्तराखंड में इस समय जो फंक्शन कर रहे हैं, जो फुली डेडिकेटेड है कोविड के लिए। उसमें जो है गवर्नमेंट में 5 हैं और प्राइवेट में 6 हैं, जिसमें कि दसमणा साहब का हॉस्पिटल जो है स्वामी राम जो हॉस्पिटल है वो भी उसमें शामिल है। तो लेकिन पहाड़ में जो है ये फैसिलिटी हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दे पा रहे हैं। तो जो प्राइवेट में जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, जो कि कोविड हेल्थ सेंटर्स हमारे हैं, वो जो है 27 है पूरे उत्तराखंड में, 27 हेल्थ सेंटर्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि 11 गवर्नमेंट के हैं जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और जो है 16 जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार यहाँ पे हैं। तो ये दोनों के लिए हेल्थ प्लानिंग हमारी प्लान अगले आने वाले समय में कि इसमें एक इजाफा होगा, और सरकार भी निश्चित तौर पर अब इसको लेकर के और सजग भी हो रही है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का जो अवेयरनेस है सभी को ज्यादा आया है, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होना पड़ेगा, हमको होना पड़ेगा, सरकार को होना पड़ेगा। सरकार पिछले 20 सालों से कार्यरत प्रयासरत रही है, उसने कोशिश की है कि हॉस्पिटल्स का जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स की जो कमी है, जो डॉक्टर्स की कमी है, जो पैरामेडिक्स की कमी है, उसको पूरा किया जाए। लेकिन जो है
यहाँ जो मेन जो टेंडेंसी है यहाँ के हेल्थ वर्कर्स की और डॉक्टर्स की जो टेंडेंसीज है, वो ये टेंडेंसी ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो चिकित्सक हैं या ये जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, वो ये कोशिश में हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि उनका स्थानांतरण या तो हल्द्वानी हो जाए या देहरादून या ऊधम सिंह नगर या हरिद्वार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की पढ़ने की सुविधाएं और काफी सुविधाएं ज्यादा यहाँ पे हैं बजाय कि पर्वतीय क्षेत्रों के। तो ये जो एक जो एरिया में जो वो हो गया है उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी पिछले 20 वर्षों में सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि उनको डॉक्टर्स को इंसेंटिव दे के जो डॉक्टर्स की जो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो कंबाइंड हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डॉक्टरों को तैनात किया जाए और तैनात उनको किया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी उसमें काफी कुछ किया जाने की जरूरत है। वही स्थिति हमारे जो है पैरामेडिक्स यानी नर्सिस के साथ, लैब टेक्नीशियन के साथ, उनके साथ भी यही है, एक्सरे टेक्नीशियंस के साथ, सबके साथ यही है। तो इसके लिए हमको खास तौर से दो अलग अलग नीतियां बनानी होंगी कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग और ग्रामीण क्षेत्र के और यहाँ मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग, और सब में अगर हम बेसिक पॉलिसी अपनी ये रखेंगे कि जो सरकारी सेक्टर में जब तैनाती के समय कि शुरू के 5 साल आपको पर्वतीय क्षेत्रों में काम करना होगा, बाकी आप 25 साल जो है चाहे वहां काम करें चाहे यहाँ काम करें, इस तरह के कुछ हमको रूल्स जो है बनाने पड़ेंगे और उसके लिए पॉलिटिकल विल की एक आवश्यकता है, जिसको कि अगर हम कम्प्लीटली अगर फॉलो करेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हो जाएगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर अभी जाने वाला नहीं है। पर्वतीय सेक्टर को जो है जो प्राइवेट सेक्टर को पर्वतीय क्षेत्र जो है वो सूट नहीं करते हैं, क्योंकि काफी दूर दूर है, स्कैटर्ड है, गाँव काफी स्कैटर्ड है, काफी दूर दूर है, तो वहाँ पे एक अस्पताल में मरीज को आने में काफी टाइम लगता है। वहाँ है भी जो पर्वतीय जो प्राइवेट सेक्टर बहुत कम मात्रा में है, जैसा कि श्रीनगर में है थोड़ा सा, और कहीं उत्तरकाशी में बहुत छोटी छोटी मात्रा में है वो लोग हैं, लेकिन प्लेन्स में यही जो आप बाकी 4 जिले हैं इसमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भरमार है। तो जो यहाँ का जो जो है जो पर्वतीय क्षेत्र का जो जो पेशेंट है वो अल्टीमेटली पर्वतीय क्षेत्र में जिला अस्पताल में न जाके यहाँ देहरादून या इधर आ जाता है या हल्द्वानी चला जाता है। तो ये सब हमको देखते हुए इस तरह की हमको नीतिगत निर्णय लेने होंगे कि हम जो है अपने गवर्नमेंट सेक्टर को जो है उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि इस समय जो है काफी कुछ बर्डन जो है पर्वतीय क्षेत्रों का, तो सारा बर्डन जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज ही को दे रही है, क्योंकि जो हमारे जो हेल्थ सेंटर जो 27 है उसमें से 12 जो है वो वहां पे है जिला अस्पताल में है, सब हर जिला अस्पताल में है, और प्राइवेट में 12 है। जो सेंटर फैसिलिटीज है जो कोविड सेंटर फैसिलिटीज है वो 421 है पूरे उत्तराखंड में। जो आईसीयू के जो बेड्स हैं हमारे पास इस समय जो उपलब्ध बेड्स हैं वो करीबन 700 बेड्स उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर्स भी हमारे पास करीबन 700 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को मिला के, ऑक्सीजन की सप्लाई भी अभी इस समय हमारे पास। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि हम अपने आखिरी 5-7 मिनट के पड़ाव पर हैं, लेकिन आपकी बात को मैं बढ़ाते हुए यही कहना चाहूंगा कि जैसा आप सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने आज बोला, हरीश जी ने भी इसका जिक्र किया, विजय जी ने जिक्र किया कि इन्हीं आपदाओं में जो है हमारे अवसर निकल रहे हैं, और जैसा अगर विशेष तौर पर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, वैसे तो पूरे देश के ऊपर ये लागू होता है, हमने अपने भी प्रदेश में देखा है कि पिछले 10 महीनों में एक किस्म से बड़े वॉर फुटिंग पर डॉक्टरों की और नर्सेस की नियुक्ति हुई है। तो यही एक उम्मीद रहेगी, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, जैसा आप सभी लोगों ने कहा, आप लोगों ने प्रेरणा दी कि आने वाला समय जो है बेहतर होगा। जैसा मैं कह रहा हूं कि हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, हमारे पास 5-7 मिनट का समय बचा है, और इन 5-7 मिनटों का सदुपयोग हम ऐसा करना चाहेंगे कि हम आपके एक लास्ट मैसेजेस लेना चाहेंगे। तो हम एक हरीश जी से शुरुआत करेंगे, 2 मिनट में हरीश जी, देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देश के युवाओं को मुझे 3 बातें कहना है। एक, अपना स्वास्थ्य मन और शरीर का ध्यान रखना, कभी इश्क में पड़े हो तो जान मत लेना, और कोई जान ले भी बात की है तो उनको उनका साथ देना, उनको कहीं जहां मदद मिल सकती है वहां ले जाना। तीसरी बात, इंडिया इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ ग्रेट टुमारो एंड यू आर देयर आर्किटेक्ट्स। उम्मीद बरकरार रखना, और कोविड के समय ये जो 1200 ग्राम का जो ब्रेन है उसको प्रिजर्व बिल्कुल करना ताकि आपके ड्रीम्स प्रिजर्व हो। और लास्ट में, उत्तराखंड सरकार एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाना चाहिए, एक सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बनना चाहिए, जहां हेल्थ वर्कर घर घर जाकर मलेरिया, डेंगू और पोलियो का काम कर रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। मेंटल साइंस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, अ हेल्थ वर्कर कैन डू मेंटल स्क्रीनिंग ऑफ फैमिलीज।
थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज बड़ा अच्छा है कि आपको, बाकी लोग तो सुन ही रहे हैं लेकिन डॉक्टर विजय दसमाना साहब भी सुन रहे हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर एंड आई एम गोइंग टू रिपीट, यू नो ही हैज ही हैड नीड्स अ बिग इंस्टीट्यूशन। आई एम श्योर दैट यू नो ही विल ऑल्सो बी वर्किंग मोस्ट लाइकली ऑन दिस। विजय जी आपके पास आने में आपके जो क्लोजिंग रिमार्क्स, जैसा हमने कहा हरीश जी ने युवाओं के लिए संदेश, आपका क्या संदेश रहेगा, एक कोई भी जनरल संदेश आप क्या देना चाहेंगे इस कोविड के ऊपर, कोविड से उभरे हुए अवसरों के ऊपर? मेरा पहला तुम ये कहना चाहूंगा कि जो मेंटल हेल्थ की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए एक हमारा प्रोग्राम चलता है, उसको हम कहते हैं साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग, जिसमें मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ इट, मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ इट, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ। और ये हम फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन हम दो दो दिन तीन तीन दिन का हम चलाते हैं इसको, और उसके बाद बच्चों के हमारे सेल है कि जब उनको कभी स्ट्रेस होता है या कोई नेगेटिविटी आती है तो हमारी एक काउंसलिंग सेल है जिसमें 3-4 लोग हैं, वो उन बच्चों को फिर जो है हम लोग काउंसिल करते हैं। और ईश्वर की कृपा से आज तक कभी हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटी है यूनिवर्सिटी में। मेरा मैसेज ये होगा कि एक तो हम अभी बिल्कुल उस मोड पे ना आ जाएं, रिलैक्स मोड पे ना आ जाएं कि कोविड चला गया है। कोविड गया नहीं है, ये वायरस इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं वायरसेस। तो हम लोग अपनी सावधानी बरकरार रखें, मास्क पहने, मास्क ही इसका बचाव है और कोई बचाव नहीं है। और खूब अपने हाथ अपने से अपने नाक को, अपने मुंह को, अपनी आंख को न छुएं, और अपने मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि ये कोविड से हम बच सकें और दूसरों को भी हम इसको अगर हमको हो गया है तो कम से कम दूसरा भी उससे प्रभावित ना हो। दूसरा मेरा ये कहना होगा कि अगर कोई समस्या आती है तो वो समस्या समाधान लेके भी आती है। जीवन में हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई समस्या आई है, उस समस्या से हमें नई सीख मिलती है, हम नया चीज सीखते हैं। तो ये जो एक समय आया है, नेगेटिविटी आई है, ये समय भी पास हो जाएगा और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हम लोग रहें। तीसरा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, जो उत्तराखंड के प्रवासी वापिस आए हैं, और उनसे एक गुजारिश करूंगा कि बजाय वापिस जाने के, गलियों में रहने के, छोटे छोटे कमरों में रहने से बेहतर है आप अपने गांव में रहें, अपने घर में रहें, रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और क्योंकि पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन पहाड़ में होगी, ऊपर लोगों की पेइंग कैपेसिटी होगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाएंगे, प्राइवेट स्कूल भी तभी खुलेंगे क्योंकि उनको अपने खर्चे निकालने होते हैं। तो जो लोग वापस आए हैं हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एवेन्यूज यहाँ उत्तराखंड में खोलें। बहुत अच्छे हमारे पास वातावरण है, बहुत अच्छी हमारी सीनिक ब्यूटी है, बहुत अच्छा। अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं तो पहाड़ में तो नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, दूर दूर छितरे हुए गांव हैं, गांव में पॉपुलेशन कम है, तो बजाय हम घनी आबादी के बीच में रहने के उत्तराखंड में रहें, साथ में वापिस न जाएं। और जो लोग उत्तराखंड के एंटरप्रेन्योर हैं, जो अच्छे उद्योगपति हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम वापिस कुछ अपनी मातृभूमि को दे सकते हैं। जो युवा आए हैं तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको थोड़ा सा हम गाइडेंस करें, ताकि हमारा उत्तराखंड जो प्रदेश पलायन से जूझ रहा है तो दोबारा आबाद हो सके, खास करके पहाड़ी इलाका। थैंक यू डॉक्टर साहब, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर आर के पंत साहब के साथ में, ये वाकई में एक बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये मास्क ना पहनने का और तमाम इन चीजों को लेकर के। तो डॉक्टर पंत आपके भी आखिरी यू नो क्लोजिंग रिमार्क्स इन जस्ट वन मिनट, सॉरी यू नो दैट वी हैव टू रश थ्रू दिस अ लिटिल बिट, बट इन 60 सेकंड्स व्हाट वुड बी योर मैसेज? थैंक यू सर। ठीक ठीक, ये जो आपदा हमारे पास आपदा जो आई है, इससे हमको काफी एक्सपीरियंस मिला है, काफी सीखे, तो इसको देखते हुए हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को देखते हुए अगली जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं कि इस तरह के जब पेंडेमिक्स आएंगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरह से इसको कंटेन कर सकते हैं, इसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस, अभी जो जैसे कोरोना की जो बात आती है तो सोशल डिस्टेंसिंग
और जो मास्क जो पहनने वाला है यही एक बचाव का रास्ता है, और कोई बचाव का रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान की इस देशों से बेहतर इसलिए हो पाई है, हमने लॉकडाउन के जो पीरियड था हमारा उसमें हमने अपने आप को डिसिप्लिन में रह के काम किया, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, हैंड वॉशिंग की और मास्क लगाया। तीन इसके जो है आइडियल जो है, तीन इसके जो स्टेप्स हैं तीन हमने उसको फॉलो किया। तो हमको इसी तरह से जो है इस एपिडेमिक से, इस पेंडेमिक से सीख लेके आगे के नीतिगत निर्णय लेने चाहिए, जिससे कि जो है हम इसको कंटेन करने में पहले से ज़्यादा बेहतर साबित हो सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं भी अपने आखिरी 60 सेकंड लेना चाहूंगा, और उन 60 सेकंड में मैं आप तीनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो है अपना बड़ा कीमती समय हमारे को आरएसटी फोरम के इस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए वैल्यू वर्ड्स के तहत दिया है। सो डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच टू ऑल थ्री ऑफ यू। ऑल्सो वेरी वेरी वार्म रिगार्ड्स एंड एंड नोट ऑफ थैंक यू ग्रेटिट्यूड अगेन टू ऑल ऑफ यू हु हैव लिसन टू दिस A very, very valuable and informative session on COVID, where we discussed various sort of elements. उसके जो अलग अलग पहलू थे हमने उसके ऊपर चर्चा करी, हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और विशेष तौर पर जो आज के आयोजक हैं उनको भी ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।